हुसैन सुल्तान, रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। आज एक फिर एक नई खबर के साथ में आपके सामने हाजिर है। आज की हमारी खास खबर यह है, देखिए माननीय गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र रावत जी ने 2014 में इस हॉस्पिटल की शुरुआत करवाई थी। काफ़ी हद तक वाड़वी दो तीन बार एक्सटेंड होके वाड़वी बजट करके आज यहाँ तक काम लाया गया, लेकिन पिछले दो साल से जब से कोविड के काल को लेके इसके अंदर का हॉस्पिटल के काम में स्लोपन आया, देरी हुई। अब उनके आदेश के बाद कमिश्नर साहब के साथ एक जॉइंटली मीटिंग थी, शिंदे सर अभी न्यू ज्वाइंट हुए, लेकिन उनके आने के बाद हमने मेडिकल डिपार्टमेंट के काम और बांधकाम विभाग, आरोग्य विभाग और बांधकाम विभाग साथ में पैरेलल कैसे काम करना चाहिए आज उसका विजिट था। तीन महीने के अंदर हम लोगों ने हर वीक में हॉस्पिटल के ताल्लुक से एक मीटिंग की जाती थी, लेकिन ताकि ये हॉस्पिटल को पहले ही बन जाना चाहिए था। एक साल पहले ही अगर ये बन जाता, आज हमारी चर्चा हुई थी कि अगर एक साल पहले हमको ये हॉस्पिटल मिलता तो आज कोविड के काल में काफ़ी हद तक हमें इसके लिए मदद मिलती। नॉन कोविड पेशेंट जो शिवाजी हॉस्पिटल पे लोड है वो काफ़ी हद तक कम होते थे, लेकिन ठीक है पिछली बातों को छोड़ के हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए और पूरे शहर को इतना खूबसूरत हॉस्पिटल तुरंत कैसे चालू करके देना चाहिए, ऐसे नहीं हमारे सर शिंदे साहब, करताले साहब एक जॉइंटली हम लोग मिलकर हर 15 डेज के अंदर ये मीटिंग करके विद इन 4 मंथ के अंदर हम कोशिश करेंगे कि ये शहरवासियों को ये हॉस्पिटल शुरू करके दे दिया जाए। इसमें 90% बांधकाम का सभी काम हो गए, सारी मशीनरी के ऑर्डर दे दिए गए, मैन पावर के लिए सभी तैयारी के लिए सर बैठे और आरोग्य विभाग की सभी तैयारी के लिए खुशबू मैडम के साथ सर बैठ के आगे का डिस्कशन कैसे करना है, जॉइंटली कंबाइंडली काम करेंगे और शहरवासियों को 4 महीने के अंदर ये हॉस्पिटल शुरू ही करके देना है, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। एक बात मैं बोलूँ इस मामले के ताल्लुक से, हॉस्पिटल के मामले से, कहीं ना कहीं हकीकत में इस हॉस्पिटल को बनने में देरी हुई है, सच बात है। इसमें कोई अगर बोल रहा है तो इसमें हमको उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना, लेकिन देरी हुई कारण भी है, देरी के कारण है। अब प्रशासन को कोविड के बाद ऐसी, जैसे हम एक बार पार्किंग प्लाजा को हमने एक स्ट्रक्चर तैयार था उसको तुरंत आरोग्य विभाग ने अपने साथ में ताबे में लेके कोविड हॉस्पिटल बना दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये हॉस्पिटल शुरू होता तो आज हमको ही काम आता। इसकी कमी हमको आज महसूस हो रही है। 2 साल भी तो कोविड में गए, 2 साल पूरा कोविड में गए, लेकिन हम पिछली बातों को नहीं छोड़ के सभी डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है यहाँ पे, बहुत जल्द 4 महीने के अंदर शहरवासियों को ये हॉस्पिटल देंगे। बाकी के हमारे अधिकारी करताले सर, शिंदे सर 2 मिनट में आपको बताएंगे। अभी बेसिकली अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी अबव 90% हो चुका है। अभी हम जैसे विरोधी पक्ष नेता साहब ने अभी पर्सनली अभी इंटरेस्ट लेके सब फॉलोअप हम कर रहे हैं। अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी भी फॉर्म कर लिए कि जो 15 दिन में हर रिव्यू मीटिंग लेंगे, उसके साथ अभी हम ह्यूमन रिसोर्स जो डॉक्टर्स स्टाफ वगैरह लगेंगे उसकी पैरेलल फाइल मूव कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, इक्विपमेंट्स काफ़ी सारे पहले लिए हुए हैं वो चेक करके इमीडिएटली जो एडिशनल लगेंगे उनकी भी ऑर्डर देंगे और सब एज जैसे जल्द से जल्द इनका हमको पोजीशन मिल जाएगा बिल्डिंग का तो हम सब इंस्ट्रूमेंट फंक्शनिंग करना और इंस्टॉलेशन करना शुरू कर देंगे। विरोधी पक्ष नेता साहब की इच्छा है कि जुलाई तक हम करने की कोशिश पक्का करेंगे और देखते हैं इस बार मोस्टली तो हम टारगेट कंप्लीट कर लेंगे, हमें कोई मतलब शक तो नहीं है कर पाएंगे, सबकी हेल्प रहेगी। नहीं नहीं, न्यू सर अपॉइंट हुए और यंग है, 100% यकीन है कि हम करताले साहब और कमिश्नर साहब की कोऑर्डिनेटर के साथ, पालक मंत्री जी और जितेंद्र रावत जी के साथ हम लोग यह हॉस्पिटल बहुत जल्द शुरू करेंगे। 2 महीने पहले माननीय मंत्री महोदय जितेंद्र रावत साहब, माननीय आयुक्त, विरोधी पक्षी नेता, इन्होंने मीटिंग ली थी हॉस्पिटल शुरू करने के बारे में, तो उनमें जो काम बचा था उसके लिए बजट कम था, वो बजट कमिश्नर साहब ने दिया, वो हिसाब से हम लोगों ने टेंडर कॉल किया है। अभी बचेला, अभी सिविल वर्क हॉस्पिटल का पूरा हो चुका है, बचेला जो काम है आउटसाइड में चिलर, मैनिफोल्ड्स, गैस ऑक्सीजन की लाइन, ये तुम्हारा फॉल सीलिंग, ये माइनर वर्क बचेला है, उसके लिए हम लोग 3 महीने में ये पूरा हॉस्पिटल कम्प्लीट करके
हेल्थ डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करने वाले हैं। अभी राउंड ये हमारे MOH मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, विरोधी पक्ष नेता, ये प्रभाग अध्यक्ष, सन्मान्य सदस्य यांच्यासोबत राउंड घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये सर्व त्यांनी कामाची पाहणी केली और हम लोगों ने अभी विद इन 15 डेज अभी सर ने बोला है कि विद इन 15 डेज ये जो काम जो चल रहा है उसको हर एक 15 दिन में हम लोग मीटिंग लेंगे, काम का प्रोग्रेस देखेंगे। और हम लोगों ने जैसे हम लोगों ने बताया कि सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट से हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट को ये पूरा बिल्डिंग जुलाई एंड तक हैंड ओवर काम पूरा करके हैंड ओवर करने वाले। महानगर पालिका जो लोग पॉलिटिकली ऐसा बात करते हैं कि ये अलग अलग आशंका करते जो टिप्पणी करते उनको साफ ये सभी बता देते। माननीय जितेंद्र रावत जी के साथ चर्चा हो चुकी है, सब ने सम्मान्य सदस्य सभी कॉरपोरेटर एक मत से राय ये हॉस्पिटल थाने महानगर पालिका ही चलाएगी क्योंकि थाने महानगर पालिका हमारी सक्षम है। थाने महापालिका चलाएगी मतलब जिस तरीके से नहीं उससे बेटर चले कोशिश। शिवाजी हॉस्पिटल जो बना था कई साल पहले बना था, लेकिन लेटेस्ट दौर का नया टेक्नोलॉजी का हॉस्पिटल है उससे बेटर जरूर यहाँ पे बनेगा और उससे अच्छे तरीके से चलेगा।